मैं खुशीरु आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। मनीषा रानी ने सुबह सुबह फुकरा इंसान को डांट लगा दी है और मुझे लगता है कि डांट लगाना बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि जब आपके बीच में प्यार हो, जब भाई बहन का रिश्ता हो, जब दोस्ती का रिश्ता हो, तब उस वक्त कोई भी अगर चीज़ें गलत आप देखते हैं अपने की, तो प्यार से डांट जब लगती है तब वो अच्छी ही होती है। यहाँ पर जो है फुकरा इंसान के घर से काफ़ी सारा सामान आया है और वो पैकिंग कर रहे हैं, यानी कि ठीक वीक करके रख रहे हैं। जदादित को ये चीज़ें समझ नहीं आती। जदादित पूछता कि भाई तू पैकिंग क्यों कर रहा है। फुकरा इंसान बोल देते हैं कि भाई मेरा अभी यहाँ पे बस हो गया है, मैं अभी चला जाऊँगा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो मनीषा ये बात सुनती है, मनीषा जो है थप्पड़ मारती है जाके और बोलती है कि चुप रह, हमेशा तो यही बातें बोलता रहता है। सुबह सुबह काफ़ी सारी ऐसी बातें होती है जो बोलनी नहीं चाहिए। सुबह सुबह जो है बातें सच हो जाती हैं, कि ऐसा ना हो कि कल को सच हो जाए ये चीज़ें। जहाँ पर फुकरा इंसान हंसने लग जाते हैं, और एक्चुअली में मनीषा रानी का वो रिएक्शन जो था वो बहुत ही क्यूट था। और मनीषा रानी का, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं बैक स्टेप कर रही है मनीषा रानी, नहीं भाई बैक स्टेप नहीं कर रही। ये दोनों की जो बॉन्डिंग है सबसे अच्छी बॉन्डिंग है इस घर में। लॉयल है एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा लॉयल है, वफादार है। चाहे घर के बाहर कहीं पर भी कुछ भी बात करें, पर सामने आके एक दूसरे के साथ जो है जो बातें करते हैं वो कहीं और नहीं जाती हैं। उसके बीच में कुछ बातें होती हैं आप दूसरों के साथ करनी चाहिए, पर आपस की कि किसी और के साथ लगे नहीं करते कभी भी। वो बॉन्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये हरकत जो है सुबह देखने के लिए मिली, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, कि आपके साथ भी कोई है ऐसा जो कि आपको ऐसा मीठा मीठा डांटता है, बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।